तो हेलो गाइस, आज का अपना टॉपिक है अंसा सर्विकैलिस। और ये जो अंसा सर्विकैलिस जो है, एक्चुअली में यूनिवर्सिटी पे इस पे जो है एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है। तो आज मैं आपको पूरा अंसा सर्विकैलिस अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, और फिर इसका डायग्राम कैसे बनाना है मैं आपको वो भी बताऊंगा। और ये जो मेरे नोट्स हैं जो मैंने आपके लिए प्रोवाइड करे हैं, मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको प्रोवाइड करूंगा। और वीडियो बिल्कुल एंड तक आप देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यूनिवर्सिटी में आपको कौन कौन सी हेडिंग में ये आंसर सर्विकैलिस लिख के आना है। तो आज की अपन वीडियो शुरू करते हैं। तो यार, ये जो आंसर सर्विकैलिस जो है, ये एक्चुअली में अपना एक थिन नर्व का लूप होता है। मतलब जो अपनी नर्व है ना, उसी का एक लूप होता है, उसको अपन बोलते हैं आंसर सर्विकैलिस, जो कि C1, C2, C3 स्पाइनल नर्व से बनती है। मतलब एक नर्व की लूप जो कि C1, C2, C3 स्पाइनल नर्व से बनेगी, उसी को अपन बोलते हैं आंसर सर्विकैलिस। अब जाहिर सी बात है, नर्व है तो किसी ना किसी मसल को सप्लाई करेगी। तो ये पूरा आंसर सर्विकैलिस जो होता है, वो एक्चुअली में अपना इंफ्रा हायोइड मसल को सप्लाई करता है। अब आप बोलोगे सर, ये इंफ्रा हायोइड मसल क्या है? तो मेनली अपन जानते हैं, अपने नेक में एक बोन रहती है, उसे अपन बोलते हैं हायोइड बोन। उस हायोइड बोन के नीचे आपके चार मसल अटैच होती हैं, उसको बोलेंगे इंफ्रा हायोइड मसल। और उसके ऊपर भी चार मसल अटैच होती हैं, उसको अपन बोलते हैं सुप्रा हायोइड मसल। तो ये जो आंसर सर्विकैलिस है ना, बेसिकली उस हायोइड बोन के नीचे वाले मसल को सप्लाई करती है, जो कि चार मसल हैं। देन उन मसल्स का नाम है, एक है थायरोहायोइड। अब देखो, बिल्कुल क्या तुम इनको रट्टो मत, आपको नाम से सारी अटैचमेंट इसकी याद हो जाएंगी। अब यहाँ पे लिखा है थायरो और ये हायोइड। अब हायोइड का मतलब तो ये है कि हायोइड बोन से अटैच है, ये तो अपन को पता है। लेकिन फर्स्ट नाम इसका ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे एक थायरॉइड कार्टिलेज रहती है नेक में, ये वाली मसल वहाँ पे अटैच है। तो थायरॉइड कार्टिलेज से लेकर हायोइड बोन तक अटैच है, इसलिए इसका नाम है थायरोहायोइड। देन एक मसल होती है, वो है ओमोहायोइड। फिर एक मसल है, वो है स्टर्नो थायरॉइड। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, स्टर्नो मतलब ये आपके स्टर्नम बोन पर अटैच भी होगी और थायरॉइड कार्टिलेज पर अटैच है, इसलिए इसका नाम है स्टर्नो हायोइड। फिर यहाँ पे एक मसल है, वो है स्टर्नो हायोइड, मतलब ये स्टर्नम बोन पर अटैच है। फिर डायरेक्ट आपकी जो हायोइड बोन पे अटैच है, मैं आपको सारी मसल का 3D में भी दिखा देता हूँ, तो आपको और अच्छे से इमेजिन हो जाएगा। तो अब आप मेरे फोन में 3D मॉडल देखिए। तो एक्चुअली मैं अब अपन ये देख रहे हैं नेक की मसल। तो आपको यहाँ पे नेक में मिलेगा ये वाली जो बोन है ना, मैं सेपरेट करता हूँ, यही अपनी हायोइड बोन। देन इस हायोइड बोन के नीचे ये चार मसल है ना, इसी को अपन बोलते हैं इंफ्रा हायोइड मसल्स। देन इसमें मैं आपको सबसे पहली मसल दिखाता हूँ, सेपरेट करूं तो इसका नाम है स्टर्नो हायोइड मसल। और आपको इसमें क्लियरली दिख भी पा रहा होगा 3D मॉडल में कि अपना स्टर्नम बोन पे भी अटैच है और अपना हायोइड बोन पे अटैच है, इसलिए इसका नाम है स्टर्नो हायोइड मसल। देन फिर मैं आपको दिखाता हूँ स्टर्नो थायरॉइड मसल। एक्चुअली में यहाँ पर थायरॉइड कार्टिलेज रहती है, इधर शो नहीं करा इसने, तो स्टर्नम बोन से थायरॉइड कार्टिलेज तक अटैच है, इसलिए इसका नाम था स्टर्नो थायरॉइड। देन फिर मैं आपको दिखाता हूँ ये वाली मसल, जो कि सबसे पहली मसल थी ना अपनी थायरोहायोइड। तो ये ऊपर अपना अटैच रहती है हायोइड बोन से और नीचे अपना अटैच रहती है थायरॉइड कार्टिलेज से। देन फिर एक मसल बच जाएगी ये वाली, ये है अपनी ओमोहायोइड मसल। और यार, ओमोहायोइड मसल का अगर आप देखो तो कुल मिलाकर अपना हायोइड बोन से अटैच है और यहाँ पे अपना जो स्कैपुला है ना, उसकी सुपीरियर बॉर्डर से अटैच है। ये कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है? और इसकी जो है दो बैली होती है एक्चुअली में, अगर आप देख पा रहे हो तो इसकी एक ये वाली बैली होगी, एक सुपीरियर बैली और एक इसकी होती है इन्फीरियर बैली। मतलब ओमोहायोइड दो पार्ट से बनती है, एक सुपीरियर बैली से और एक इन्फीरियर बैली से। तो सारे के सारे मैंने आपको इंफ्रा हायोइड मसल भी बता दी। और यार, क्या होता है अगर अपन बिना इमेजिन करके पढ़ेंगे ना, तो कोई मतलब ही नहीं है एनाटॉमी का पढ़ने का, आप सिवाय रटते रह जाओगे। और अगर तुम मेरी वीडियो देखते हो तो तुम्हें यही फ़ायदा मिलता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें इमेजिन करवाता हूँ। इसलिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करके रखें मुझे, क्योंकि मैं पूरी एनाटॉमी में अपलोड करता हूँ। देन अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से ये आंसर सर्विकैलिस जो है वो फॉर्म होती है। उसको बताने के लिए मैं तुम्हें यहाँ पे उसको बना के बताऊँगा पूरा। तो मैंने आपको बताया था, ये आंसर सर्विकैलिस जो है वो अपना एक नर्व की लूप है, जो कि C1, C2 और C3 स्पाइनल नर्व से बनती है। उसके अलावा क्या होता है, एक अपनी 12 करेनियल नर्व होती है, उसे अपन बोलते हैं हाइपोग्लॉसल नर्व।
अब यहाँ पे आपको ग्लॉसल का मतलब पता ही है, ग्लॉसस मतलब क्या होता है, अपना टंग। तो अपनी जो 12 करेनियल नर्व होती है ना, वो मेनली अपने टंग को मसल को सप्लाई करती है। और जो 12 हाइपोग्लॉसल नर्व है ना, एक्चुअली में ये जो C1 स्पाइनल नर्व है ना, ये अपना हाइपोग्लॉसल नर्व के साथ ही रन करता है। तो अब मैं आपको पूरा बना के बताता हूँ। तो पहले आपने नर्व बना ली तीनों स्पाइनल नर्व, तो पहले आपने तीनों स्पाइनल रूट लिख ली। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, तीनों स्पाइनल रूट लिखेंगे। अब मैं ड्रॉ करता हूँ किस तरीके से अंसा सर्विकैलिस बनेगी। सबसे पहले C1 से एक डायरेक्ट अपन पूरा एक नर्व निकाल देंगे, ये अपने निकल गए C1 की नर्व, ठीक है। देन ये C1 जो है एक्चुअली में ये दो मसल को सप्लाई करेगा आगे जाके, अपने सेपरेट बना देते हैं। एक जो ये सप्लाई करेगा, ये क्या सप्लाई करेगा, जीनो हायर्ड को। मैं नाम भी लिख देता हूँ जीनो हायर्ड का। अब आप बोलोगे सर जीनो हायर्ड तो आपने इंफ्रा हायर्ड की मसल नहीं बताई थी। तो एक्चुअली में क्या है, ये जो जीनो हायर्ड होती है ना, ये अपनी इंफ्रा हायर्ड की मसल ही नहीं है, ये दूसरी मसल होती है, ठीक है। ये सुप्रा हायर्ड की मसल है, लेकिन क्या होता है, ये C1 जो है ना फर्स्ट, वो एक्चुअली में इस मसल को भी सप्लाई कर देता है, इसके लिए भी एक ब्रांच दे देता है सेपरेटली। तो अपन यहाँ पे नाम लिख देंगे। देन अपनी जो फर्स्ट थी ना अपनी इंफ्राहायर्ड मसल थायरोहायर्ड, उसको भी सप्लाई कौन करेगा, उसको भी C1 की ही एक सेपरेट ब्रांच सप्लाई करेगी। तो अपन ने पहले बना लिया C1 की एक रूट। उसके बाद क्या होता है, ये जो C2 और जो C3 है ना, इन दोनों की रूट्स आपकी ऐसा ज्वाइन हो जाती हैं, दिख रहे हैं आप, और दोनों ज्वाइन होके आपकी इस तरीके से एक पूरा लूप बना लेगी। मतलब C1 C2 ने क्या करा, एक दूसरे से ज्वाइन हो गई रूट्स, और फिर एक इन्फीरियर रूट इसने बना ली। और ये जो C1 है ना, अब C1 क्या करता है, एक्चुअली पूरा एक नर्व का लूप बनाना है, तो C1 भी अपनी एक रूट दे देता है, इसको अपन बोलेंगे सुपीरियर रूट। और ये दोनों रूट जो है आपकी नीचे की साइड जाके ज्वाइन हो जाती हैं। तो इस तरीके से पूरा एक नर्व का लूप बन गया। और यहाँ पे जो लूप है ना, ये देगा अपने चार ब्रांचेस कुछ इस तरीके से। सबसे पहले ये सप्लाई करेगा अपना सुपीरियर वैली ऑफ ओमोहायड को। मैंने बताया था ना ओमोहायड एक्चुअली में दो वैली से बनती है, तो सुपीरियर वैली और इन्फीरियर वैली दोनों को अलग अलग ब्रांच सप्लाई करेगी ये अंसा सर्विकैलिस की। तो सबसे पहले अंसा सर्विकैलिस सप्लाई करेगा अपना सुपीरियर वैली को, तो सुपीरियर वैली ऑफ ओमोहायड। उसके बाद ये जो दो एक्चुअली में ब्रांच है, ये अपना है स्टर्नो हायर्ड एंड स्टर्नो थायराइड मसल के लिए। मैं यहां पे लिख देता हूं, अभी जो लास्ट वाली ब्रांच बच गई ना, ये एक्चुअली में अपने ओमो हायर्ड की जो इन्फीरियर वाली थी ना, उसके लिए है ये। तो मैं ये लिख देता हूं इन्फीरियर वैली ऑफ ओमो हायर्ड। तो ये क्या है, मैंने आपको सारे का सारा आंसर सर्विकैलिस बता दिया। और अब आप देख भी पा रहे हो ये मेनली क्या कर रही है, ये इंफ्रा हायर्ड मसल को सप्लाई कर रही है। एक अपना होता है थायरो हायर्ड, ये भी इंफ्रा हायर्ड की मसल है। देन ओमो हायर्ड की दोनों बैली सुपीरियर इन्फीरियर, और अपना एक स्टर्नो हायर्ड और एक स्टर्नो थायरॉयड मसल। और आंसर सर्विकैलिस एक्चुअली में क्या होता है, कभी आपसे पूछा आप डायरेक्ट बोलना सर आंसर सर्विकैलिस जो है वो थिन नर्व का ही एक लूप है, जो कि C1, C2, C3 से बनता है। अब मैं आपको क्या मेरे नोट्स में इसको और डिटेल में बता देता हूँ। अब मैंने आपको बता दिया ये अंसा सर्विकैलिस क्या होता है, लेकिन अब अपन देखें होता कहाँ पे, ये कहाँ पे लाए करता है। तो यार इसको बताने के लिए मैं तुम्हें बताता हूँ कैरोटिड शीथ के बारे में। तो अगर आपने मेरी कैरोटिड शीथ की वीडियो नहीं देखी है, तो आपको इस वीडियो का लिंक जो है आई बटन में मिल जाएगा। एक्चुअली में मैंने पूरा कैरोटिड शीथ एक सेपरेट टॉपिक है, वो पहले ही मैं बता चुका हूँ आपको। तो एक्चुअली में क्या होता है, ये जो कैरोटिड शीथ अपन ने देखा था पूरा, उसके इंटीरियर में अपना इसी कैरोटिड शीथ के अंदर अपना एम्बेडेड होता है अंसा सर्विकैलिस। ये आप देख भी पा रहे हो, ये पूरा कैरोटिड शीथ है, इसके जस्ट आउटसाइड में अपना प्रेजेंट है अंसा सर्विकैलिस। मैं आपको अगर यहाँ पे दिखाऊँ तो आपको क्लियरली दिखेगा। तो अब आप देखिए इस साइड मेरा कैरोटिड शीथ का डायग्राम है, इस साइड अपना आंसर सर्विकैलिस का डायग्राम है। तो ये अपन जो है ना, ये वाले दो डायग्राम ये अपन इंटीरियर व्यू से देख रहे हैं, और ये जो है
ये एक्चुअली में जब अपन उसको कट करेंगे ना इस सेक्शन में, तब अपन ये सुपीरियर सेक्शन से ये अपन कैरोटिड देख रहे हैं। तो अपन देखते हैं इस कैरोटिड के इंटीरियर में अपना जो है आंसर सर्विकालिस अपना होता है, ये अपन को पता है। तो ये जो है ना, ये एक्चुअली में आपको दिख रहा होगा आंसर सर्विकालिस का ये वाली रूट, ये एक्चुअली में अपनी है सुपीरियर रूट, जो कि यहाँ पर जो ये रूट है ना, इसे अपन बोलते हैं सुपीरियर रूट। तो ये सुपीरियर रूट जो है वो अपना ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी है ना, उसके जस्ट फ्रंट में है। तो आपको बस यही बात अच्छे से याद करना है, आप जो है इसकी एक जिंगल बना लो सी एस, जो अपना कंप्यूटर साइंस होता है ना। तो सी से अपना हो गया कॉमन कैरोटिड, एस से अपना है सुपीरियर रूट। तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी के जस्ट फ्रंट में अपनी होती है सुपीरियर रूट, और ये वाली जो रूट है ना आंसर सर्विकलिस की, ये एक्चुअली में है अपनी इन्फीरियर रूट। मतलब इन्फीरियर रूट जो है किसके पीछे है, ये अपना इन्फीरियर जुगलर वेन के पीछे होती है। अगर मैं आपको ये रख के बताऊं, मानो कि ये पेन है अपना कॉमन कैरोटिड आर्टरी और ये है अपना इन्फीरियर जुगलर वेन, तो कुछ इस तरीके से होता है। ये आंसर सर्विकलिस की सुपीरियर रूट है और ये है इसकी इन्फीरियर रूट। तो सुपीरियर रूट के जस्ट पीछे अपना प्रेजेंट होगा ऐसा कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और ये वाली इसकी इन्फीरियर रूट के पीछे प्रेजेंट होता है अपना इंटरनल जुगलर आर्टरी। ये आपको सुपीरियर सेक्शन से भी अच्छे से दिख पा रहा होगा। तो अब आप ये अच्छे से याद कर लेना कि आंसर सर्विकैलिस अपना प्रेजेंट होता है कैरोटिड शीथ के इंटीरियर वॉल में। ठीक है, अब अपन इसको डिटेल में देखते हैं मेरे नोट्स में इसका फॉर्मेशन। तो जो अपना आंसर सर्विकैलिस है वो फॉर्म होता है दो रूट से, एक सुपीरियर और इन्फीरियर रूट से, ये मैंने आपको बता ही दिया। देन इसकी जो सुपीरियर रूट थी ना, उसके फाइबर आ रहे थे C1 से, ये अपन देख भी रहे ना, ये जो सुपीरियर रूट है इसके फाइबर कहाँ से आ रहे हैं, इसके फाइबर आ रहे हैं C1 से। उसके अलावा वो क्या कर रही है, वो कंटिन्यूएशन है अपनी डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ हाइपोग्लॉसल नर्व की। मतलब ये मेनली ये वाली जो नर्व है ना C1, वो एक्चुअली अपनी हाइपोग्लॉसल नर्व के साथ में चलती है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में एक यहाँ पे बीच में एक हल्का सा कम्युनिकेशन भी होता है, तो ये मैंने आपको कम्युनिकेशन भी इसका बना दिया। उसके अलावा फिर इसकी सुपीरियर रूट जो है डिसेंड करेगी, नीचे की तरफ आएगी। फिर किसके आगे होती है इसकी सुपीरियर रूट, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के और कॉमन कैरोटिड आर्टरी के ये आगे होती है, मैंने आपको अभी डायग्राम में भी बताया था। देन इसकी इन्फीरियर रूट अगर अपन देखें, तो इसकी इन्फीरियर रूट जो है वो C2 और C3 सर्विकल स्पाइनल नर्व से बनती हैं, वो भी अपने नीचे की तरफ डिसेंड करती हैं किसके अराउंड, अपनी इंटरनल जुगलर वेन के अराउंड, ये मैंने आपको बताया। फिर एक्चुअली में क्या होता है, ये इन्फीरियर वाली नीचे की तरफ कंटिन्यू करेगी और इंटीरियर इन्फीरियर में, मतलब इंटीरियर में और नीचे की तरफ इन्फीरियर में, वो जो है सुपीरियर रूट के साथ ज्वाइन हो जाती है इन फ्रंट ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी। मतलब कॉमन कैरोटिड आर्टरी कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है, उसके जस्ट फ्रंट में ये इन्फीरियर वाली जो है सुपीरियर वाली के साथ जो है कंटिन्यू हो जाती है। फिर अपन देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से मसल को जो है सप्लाई करेगी। तो आप ना ये अच्छे से याद करना, सुपीरियर रूट किसको देगी, सुपीरियर वैली ऑफ ओमोहायड को। आप ना सुपीरियर से सुपीरियर मिला लो, ये देख भी रहा है सुपीरियर रूट जो है वो किसको सप्लाई कर रही है, सुपीरियर वैली ऑफ ओमोहायड को। सिमिलरली इन्फीरियर रूट किसको कर रही है, इन्फीरियर वैली ऑफ ओमोहायड को। और इसका जो मेन लूप वाला पार्ट है आंसर सर्विकालिस वाला पार्ट, वो सप्लाई कर रहा है स्टर्नोहायड को और स्टर्नो थायरॉयड को। देन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि एक्चुअली में थायरोहायड और जीनोहायड, ये दो मसल जो होती है ना, ये दोनों मसल एक्चुअली में C1 जो है सेपरेटली इसकी ब्रांच देता है। मतलब आंसर सर्विकालिस तो मेनली ये है, लेकिन इन दोनों मसल को जो है C1 सेपरेटली ब्रांच देता है। तो आप एक कंसेप्ट अच्छे से याद कर लेना, यहाँ पर भी ये लिखा है कि थायरोहायड और जीनोहायड सप्लाई बाय सेपरेट ब्रांच फ्रॉम फर्स्ट सर्वाइकल नर्व। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया आंसर सर्विकालिस। अब मैं आपको इसके नोट्स का स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करता हूँ, और यार स्क्रीनशॉट में अच्छी क्वालिटी नहीं आती इसके HD नोट्स के लिए, तो मेरी इंस्टाग्राम पे चले जाओ, वहाँ पे मैं तुम्हें इसका अलग ही मैंने पेज बना के रखा है, वहाँ से बिल्कुल HD वाले नोट्स तुम इसके डाउनलोड कर लो।
और अब मैं उसको बताता हूँ उसको यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है। तो यार जितना मैं तुम्हें प्रोवाइड करवा रहा हूँ ना उतना लिख देना, सफिशियंट कंटेंट है आपके लिए। पहले आप डालना हेडिंग आंसर सर्वे कैलिस की, फिर आप इसके इंट्रोडक्शन के 3 पॉइंट लिखोगे, फिर फॉर्मेशन की हेडिंग डालना, फिर पहले लिखना सुपीरियर रूट, फिर लिखना इन्फीरियर रूट, ठीक है। देन ये दोनों रूट्स लिखने के बाद फिर इसका लिखना डिस्ट्रीब्यूशन, सारा डिस्ट्रीब्यूशन लिखना, फिर ये एक डायग्राम जो है ये वाला एक डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है आपको इसको यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को तुम करो लाइक, मेरे चैनल के साथ बने रहो, पूरी एनाटॉमी मैं आपको बहुत इजी करवा दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।